हाय दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आपका किसी भी तरह का गोल है, पतले होने का या मोटे होने का, या आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, या एक आम पर्सन जो अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो मैं उनको आज बताने वाला। मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये हेल्दी ब्रेकफास्ट, और ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है गाइस। और मैं 2 बार वीक में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा वीक अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो मैं सारे वीडियोज़ आपको दिखाने वाला हूँ आने वाले दिनों में, जो मैं मेरी सीक्रेट क्या है ब्रेकफास्ट का। हूँ ओट्स, ये 25 ग्राम ओट्स है, आधा कटोरी आप बोल सकते हो। और ये है, मैंने हाफ बनाना यूज़ किया है, और ये है हाफ छोटा वाला कटोरा में दही है, 200 ml दही है ये। और एक मैं मीडियम साइज़ का अनार यूज़ कर रहा हूँ, और पीनट बटर 1 चम्मच, और चिया सीड्स। अब इसका बेनिफिट के बारे में बता देता हूँ आपको। ओट्स, हम सुबह सुबह जब भी हम ओट्स यूज़ करते हैं दोस्तों, तो हमारा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। जो भी फूड में फाइबर होता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। दही की बात करें तो इसमें अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ही हेल्दी है। अनार के बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता भी होगा। ब्लड बनाता है, खून बनाता है अनार। और पीनट बटर की बात करें तो पीनट बटर हम लोग फ्लेवर के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्वीटनेस की बात करें तो हम लोग इसमें चीनी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद है आपको हेल्दी रखना। तो चीनी की जगह आप पटाली गुड़ यूज़ कर सकते हैं, जिसको खजूर वाला गुड़ भी बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप नहीं खा पाएंगे, तो आप पटाली गुड़ जो है यूज़ कर। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो चिया सीड्स है, उसका आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है। और चिया सीड्स क्या करता है, इसमें फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है, हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको गोरा होना है, या आप स्किन को चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत शाइन करे, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्किन हमेशा शाइन करती है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना, वो सभी के लिए है। अगर आप एक डायबिटिक पर्सन है, या आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनको भी आप खिला सकते हैं। और एक बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए ये है। अब एक चीज़ इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वज़न कम करना है, तो आपको दही थोड़ा कम कर दें आप, और थोड़ा आप अनार कम कर दें। केला मैं आधा यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप और डाल सकते हैं, वो है सिनेमन पाउडर। अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो दालचीनी पाउडर आप डालें, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और फिर इसके बारे में बात करूँ। तो मैं इसमें अभी लूँगा, ये है मेरे पास हॉट वाटर, गर्म पानी में डालूँगा इसमें। आप देख सकते हैं मैं इतना पानी डालूँ। और ये 25 ग्राम ओट्स है, जिसमें 100 कैलोरीज होता है, तो इसमें अब ओट्स डाल देंगे हम लोग। अब ओट्स में क्या है दोस्तों, कि ओट्स को आपको चलाना है ऐसे। अब इसमें क्या है, गर्म पानी डालिए, ओट्स डालिए, ओट्स बन जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा देर आपको इसको छोड़ देना है। अब थोड़ा कैलोरीज के बारे में बात कर लेते हैं। केला जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, आधा केला यूज़ कर रहे हैं, इसमें 50 कैलोरीज है। दही हम लोग यूज़ कर रहे हैं 200 ग्राम्स, इसमें 100 कैलोरीज है। आप चाहे तो 100 ग्राम यूज़ करें। अनार जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है 100 कैलोरीज का, एक अनार यूज़ कर रहे हैं। चिया सीड्स हम लोग यूज़ करेंगे 5 ग्राम, वो 20 कैलोरीज का होगा। और 1 चम्मच हम लोग पीनट बटर यूज़ करेंगे, जो 60 कैलोरीज का होगा। तो टोटल जो कैलोरीज इसकी होगी, मतलब 430 कैलोरीज का एक ब्रेकफास्ट, मतलब एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो हर एक आदमी के लिए परफेक्ट है। और अगर आप स्वीट्स चाहते हैं, तो फिर आप गुड़ ऐड कर लेना। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें पीनट बटर डालेंगे 1 चम्मच। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें पीनट बटर डाल रहा हूँ। अब थोड़ा इसको ऐसे आपको चलाना है। अब इसमें ऐड करेंगे चिया सीड्स 5 ग्राम, आपको इसको अच्छे से चला देना है। अनार देख सकते हो गाइस, कितना ऐसा लग रहा है कि इसमें क्रीम डाला हुआ है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी है ये। केला, अब इसमें दही ऐड करेंगे, कि 4 से 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। क्योंकि जो हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, जो सामान यूज कर रहे हैं, वो है चिया सीड्स, ओट्स, दही, ये सब में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। जिस फूड में जितना ज़्यादा फाइबर होता है, वो उतना स्लो डाइजेस्ट होता है। मतलब अगर किसी को वेट लॉस करना है, तो उसके लिए परफेक्ट है ये। तो गाइस, इसमें मैं स्वीट्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसको, इसका पाउडर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में पीस दे और आराम से बन जाएगा। तो दही की क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है गाइस, बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, दही यूज़ करें। और बहुत, और ये भी चीज़ है कि 100 ग्राम दही में 50 से 60 कैलोरीज होता है, मतलब 200 ग्राम दही एक रोटी के बराबर है, इतना फ़ायदा है। अब प्रोटीन भी होता है, अच्छा खासा प्रोटीन है इसमें। तो आप देख सकते हो गाइस, थोड़ा सा इसमें हम लोग चिया सीड डालेंगे, और ये देख सकते हो आप, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको सुबह का ब्रेकफास्ट।
ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यही था गाइस हेल्दी ब्रेकफास्ट का रेसिपी, और आने वाले दिनों में पूरे 7 दिनों में मैं क्या क्या ब्रेकफास्ट यूज़ करता हूँ एक हेल्दी। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने के बारे में सिखाना, और मेरा गोल ये नहीं है गाइस कि आपको अखाड़े में उतारना, आपको बस फिट रखना। आप ऐसा खाना खाएं जो आप फिट रहे। अगर आप कुछ और भी खाते हैं तो वीक में कम से कम 2 दिन ये खाएं, 4 दिन जो खाते वो खाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे, और अपने जो भी फैमिली मेम्बर हैं आपके घर में उनको आप वीडियो दिखाएँ और सिखाएँ, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।